हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीएससी और एमएससी स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा जो चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं जो स्टार्ट किया हूँ ग्रुप थ्योरी, और आज ग्रुप थ्योरी के अंदर मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है कॉसेट्स। स्टूडेंट जो कॉसेट्स होता है वो क्या होता है, प्लस के कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा एंड देन बेस्ट कुछ थ्योरम्स मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो आज मैं एग्जाम्पल लूंगा एंड कॉन्सेप्ट का कंसेप्ट बताऊंगा, देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसके अंदर मैं उस पर बेस्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम नॉर्मल सा ग्रुप पे आएंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर आएंगे। तो आगे जैसे टॉपिक्स चलते रहेंगे स्टूडेंट, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके मार्च में एग्जाम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं अपलोड करूँ और स्टूडेंट मेरा 2 से 3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। और मैं मार्च में कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूं। और स्टूडेंट अगर आपको ग्रुप थ्योरी के जो पुराने वीडियोस हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो IT12 यहाँ पे जाके मेरे पुराने जो वीडियोस हैं लाइक ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप है, उस पर बेस्ट थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल है, ये सब आपको मिल जाएंगे, राइट। और स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, BSc है, और भी दूसरे प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आईटी पे मिल जाएगी। स्टूडेंट देखिए कॉसेट क्या होता है एंड उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कॉसेट की। सो कॉसेट होता क्या है एंड इसके बेस में कुछ आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉसेट के बारे में। लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। स्टूडेंट यहाँ पे जो एच होता है वो सब ग्रुप होता है जी का, एंड ए बिलोंग्स टू जी, है ना, ए ग्रुप का एलिमेंट है। देन अ सेट, इस टाइप के एलिमेंट का सेट, राइट। ए क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना, एंड एच यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसके साथ इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे जो ग्रुप सब ग्रुप के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक प्रोडक्ट में होंगे, है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो, अगर एडिशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, है ना, ठीक है। जो भी ऑपरेशन होगा लाइक मॉडल होगा तो मॉडल आ जाएगा, क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत, तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो सेट होता है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट कॉसेट, है ना। और सुन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रुप का एलिमेंट होता है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉसेट। अगर ग्रुप का एलिमेंट यहाँ पे राइट से मल्टीप्लाई होगा तो इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे, है ना, देखो यहाँ पे ये ग्रुप का एलिमेंट होगा और ये जो होगा ये किसका एलिमेंट होगा, सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉसेट बोलते हैं। और अगर यहाँ पे लेफ्ट से मल्टीप्लाई रहा तो लेफ्ट कॉसेट, और राइट से मल्टीप्लाई इन द सेंस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर ग्रुप में एडिशन ऑपरेशन है तो भैया मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। उस वाले केस में हमारी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ए प्लस कैपिटल एच होगी, एंड यहाँ पे आएगा ए प्लस एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, और यहाँ पे ए जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप का होगा। इसी टाइप से यहाँ पे हम राइट कॉसेट की बात कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ बताने चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में डेफिनेशन बताई है, ऐसे यहाँ पे एडिशन में डेफिनेशन बताई, क्लियर है। सो इट्स कॉल्ड राइट कॉसेट एंड एच इन जी। बाय दिस डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी वी हैव लेफ्ट एंड राइट कॉसेट ऑफ एच इन जी, है ना। हर ग्रुप के एलिमेंट के लिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट कॉसेट मिलेगा और राइट कॉसेट मिलेगा इन एच इन जी, है ना। इट इज ऑब्वियस दैट हम जानते हैं कि जो कॉसेट होता है हमारा लाइक ये लेफ्ट कॉसेट होता है ये हमेशा क्या होता है, ग्रुप का सबसेट होगा, और एच जो होगा लाइक जो राइट कॉसेट होगा वो भी क्या होगा, ग्रुप का सबसेट होगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो लेफ्ट कॉसेट होता है वो राइट कॉसेट के बराबर नहीं होता है, पर अगर हमारे पास ग्रुप अबिलियन है तो उस वाले केस में राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो ई है, ए है, इसकी जगह मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ले लूँ, क्या ले लूँ, इसकी जगह क्या ले लूँ, मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ले लूँ। तो हम जानते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे तो खुद हमारे पास क्या आ जाएगा, सब ग्रुप आ जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अल्टीमेटली जब जैसे हम ई के साथ यहाँ पे राइट लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट निकालेंगे तो वो हमेशा सब ग्रुप के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा लेफ्ट और राइट कॉसेट होता है ग्रुप का, है ना। सो द लेफ्ट एंड राइट कॉसेट ऑफ एच कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी ई कॉइंसाइड विद द एच, हेंस एच इटसेल्फ इज अ लेफ्ट एंड राइट कॉसेट्स ऑफ एच इन जी। मतलब जो एच होता है वो हमेशा लेफ्ट और राइट कॉसेट होता है ग्रुप जी का। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कॉसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, उसमें आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे कि लेट जी इज इक्वल टू जेड प्लस, ये सेट ऑफ इंटीजर का एक ग्रुप है एडिशन ऑपरेशन के अंदर, और यहाँ पे जो 2z है लाइक इवन इंटीजर जो है उसका हमने यहाँ पे क्या लिया, एक सब ग्रुप लिया एच, है ना। देन आपसे पूछ रहा है द राइट कॉसेट ऑफ एच इन जी इज, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके राइट कॉसेट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट राइट कॉसेट का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ प्लस ऑपरेशन है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम यहाँ पे एच प्लस 0 निकालेंगे, फिर हम एच प्लस 1 निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, एच प्लस 2 निकालेंगे स्टूडेंट, फिर क्या निकालेंगे, हम एच प्लस 3 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एच प्लस 4, ऐसे हम निकाल सकते हैं, एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे ना। अब देखो होता क्या है, जैसे हम एच प्लस 0 निकालेंगे तो स्टूडेंट हम जानते हैं वो एच के बराबर ही होगा,
क्लियर है। जब हम एच प्लस वन करेंगे तो स्टूडेंट प्लस वन करेंगे तो हर एलिमेंट के साथ यहाँ पे एट वन एड हो जाएगा राइट, इसके साथ वन एड हो गया, इसके साथ वन एड हो गया। तो आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस माइनस वन आएगा, देन प्लस माइनस थ्री आएगा, देन प्लस माइनस फाइव आएगा। तो देखो ये थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे एच प्लस वन क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। अब बात करते हैं हम, अब इसके अंदर हम टू को एड करें, इस एच के अंदर किसको एड करें, हम टू को एड करें। तो जैसे टू को एड करेंगे तो स्टूडेंट जैसे हम टू को एड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो प्लस टू, माइनस प्लस टू, माइनस प्लस फोर। तो जैसे हम करेंगे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो टू आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये टू आ रहा है राइट। इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पे दो ऑपरेशन आएगा, क्या आएगा, तो टू प्लस टू आएगा, एट आएगा माइनस टू प्लस टू आएगा। तो देखो यहाँ जीरो भी आ रहा है तो स्टूडेंट यहाँ जीरो भी आ जाएगा हमारे पास, है ना, क्या आएगा यहाँ पे, जीरो भी आ जाएगा राइट। तो देखिए आप थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ राइट, क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो भी आ जाएगा। स्टूडेंट जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस फोर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए जब इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा ये प्लस फोर प्लस टू आएगा, माइनस फोर प्लस टू आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस टू भी आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस टू हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे प्लस माइनस फोर भी आएगा, तो आप देख रहे हो किसके बराबर आ जाएगा, वापस एच के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो एच प्लस टू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास एच के बराबर आ जाएगा। तो इसी टाइप से आप जब इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास जब इसको करेंगे तो ये एच प्लस वन के बराबर आ जाएगा, करके देखेंगे आप, देखो एच प्लस थ्री का रखा है। और जब इसको सिंपली लाइक इसके अंदर आप थ्री ऐड करोगे ना, इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर थ्री ऐड करोगे तो स्टूडेंट वापस किसके बराबर बन जाएगा, एच प्लस वन के बराबर जाएगा। स्टूडेंट जब हम फोर ऐड करेंगे तो वापस एच आ जाएगा, जैसे हम फाइव ऐड करेंगे तो स्टूडेंट वापस क्या आ जाएगा, ये एच प्लस वन आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कॉसेट मिल रहे हैं, एच एच प्लस वन, एच एच प्लस वन, एच एच प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे कॉसेट्स कितने होंगे, दो होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कौन सा कॉसेट है, राइट कॉसेट है, तो लेफ्ट कॉसेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, वन प्लस एच हो जाएगा, है ना, इस टाइप के मिलेंगे, है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अभिलेन ग्रुप होता है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये एच आ जाएगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे वन प्लस एच आ जाएगा, क्लियर है। तो लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सो एच हैज ओनली टू डिस्टिंक्ट कॉसेट, एच एंड एच प्लस वन इन जेड। सो यहाँ पे जैसे ही इन दोनों का यूनियन लेंगे, इन दोनों, ये दोनों डिसजॉइंट है ना, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, आप देख रहे हो ये दोनों डिफरेंट है राइट। तो जैसे ही इनका यूनियन लेंगे तो वापस हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड, ये बन जाएगा, जेड बन जाएगा राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा ग्रुप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट कॉसेट्स होते हैं उन सबका जो यूनियन होता है वो वापस क्या हो जाता है, ग्रुप आ जाता है, क्लियर है। तो ये हमारे पास कोसेट का एक एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाया। स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, जैसे फाइंड द ऑल कोसेट्स ऑफ 3z। स्टूडेंट यहाँ पे 3z है ना, 3 का मल्टीपल है z प्लस के अंदर, तो वही हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3z हम जानते हैं इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, है ना। स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले h लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, h प्लस वन लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, h प्लस टू लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, h प्लस थ्री लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, h प्लस फोर लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, h प्लस फाइव लेंगे, ऐसे चलता रहेगा, h प्लस सिक्स लेंगे, क्लियर है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको लेते आगे आगे देखते जाएंगे। अब जब भी जहाँ पे भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा हम देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले h प्लस जीरो, मतलब जीरो ले लेते हैं इसको, h प्लस जीरो लेते हैं राइट। तो स्टूडेंट जीरो ऐड करने पर वापस कोई फर्क नहीं पड़ता, वो h ही आता है, क्लियर। अब स्टूडेंट h प्लस वन करते हैं, जैसे h प्लस वन करोगे, प्लस वन करोगे तो आप जानते हो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये माइनस सिक्स है ना, तो माइनस फाइव, माइनस टू, ये वन आ जाएगा, ये आपके पास फोर आ जाएगा, ये आपके सेवन आ जाएगा, तो डिफरेंट आ रहा है, है ना। तो एच प्लस इन रहेगा स्टूडेंट, हम जैसे प्लस टू करेंगे, प्लस टू करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट, माइन एक कम कर दो, माइनस फोर, माइनस वन, यहाँ ऐड कर दो, है ना, इसमें जोड़ रहे हैं ना, वन वन सब ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल इसके जैसा नहीं, अलग है ना। स्टूडेंट जैसे हम थ्री करेंगे, है ना, थ्री करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या जाएगा, मतलब एक और ऐड करेंगे राइट, ये देखो वन, फिर वन बढ़ा है, फिर वन बढ़ा है, वापस वन बढ़ाएंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, है ना, ये थ्री आ जाएगा, सिक्स। तो स्टूडेंट वापस ये क्या कर गया, रिपीट कर गया। तो हमारे पास ये जो एच प्लस थ्री वापस क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। स्टूडेंट जब एच प्लस फोर करेंगे हमारे पास तो वापस क्या आ जाएगा, ये एच प्लस वन आ जाएगा। फिर इसी टाइप से हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एच प्लस टू आ जाएगा। वापस हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये एच आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो कॉसेट सारे डिस्टिंक्ट होकर आ रहे हैं, ये कॉसेट्स आ रहे हैं h, h प्लस वन एंड h प्लस टू। इस टाइप से स्टूडेंट जब माइनस करेंगे तो माइनस में भी ये होगा, आप देखोगे तो माइनस जीरो, माइनस वन, माइनस टू, इस टाइप से भी आप कर सकते हो, क्लियर है, है ना। मतलब माइनस वन एलिमेंट के साथ भी, क्योंकि ग्रुप में माइनस वन एलिमेंट भी है ना, तो माइनस वन एलिमेंट के साथ भी करोगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी हमारे पास जीरो, थ्री, सिक्स, ये किसके बराबर आएगा, एच के बराबर आएगा, है ना। फिर प्लस वन, ये जितने भी आएंगे ये बराबर आएंगे, है ना, ये माइनस के लिए भी ट्रू है राइट। इस टाइप से प्लस है और माइनस के लिए भी बराबर आएंगे। तो देयरफॉर हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या आएगा, देयर आर थ्री कॉसेट्स एच इन जी आर एच एंड एच प्लस वन एंड एच प्लस टू। स्टूडेंट तीनों का यूनियन लेंगे हम, क्या लेंगे यूनियन, मतलब अगर मैं इन तीनों का यूनियन लेता हूं तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना, H प्लस टू, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझते हैं। सो देर आर एन, जब हम बात करेंगे जिससे मैंने बात करी यहाँ पे 3z था, अभी क्या था यहाँ पे 3z, तो कितने कॉसेट थे स्टूडेंट यहाँ पे, थ्री कॉसेट थे। इससे पहले वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था 2z,
तो वहां पे कितने कोसेट्स थे? टू कोसेट्स थे, एक था एच, दूसरा था एच प्लस वन। तो जब भी एन जेड वाला हमारे पास कोई ग्रुप होगा तो उस वाले केस में हमारे पास कितने कोसेट्स होंगे? एन कोसेट्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या है? रिमार्क है। क्लियर है? तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि कैसे करते हैं। सो फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ एच 0.4 इन द ग्रुप Z एट मोडलो एट, लाइक एडिशन मोडलो एट पे आपको सब ग्रुप लिया है 0.4, तो आपको ये पता लगाना है कि इसके अंदर कितने कॉसेट्स होंगे, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप दे रखा है वो कितना देखा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, और ये हमारे पास सब ग्रुप है ना, किसका? G का, राइट। द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ऑफ एच इन जी आर ऑप्टेन, हम पता लगाएंगे यहाँ पे। स्टूडेंट क्या करेंगे, वही देखेंगे हम एच प्लस, क्योंकि देखो आप बोलोगे सर आप प्लस कर रहे हो डेफिनेशन में तो मल्टीप्लीकेशन, अरे भैया एडिशन मॉडल है ना, तो हम प्लस की बात करेंगे ना। ये मॉडुलो क्या है यहाँ पे? 8 है, तो ये 8 ले लेंगे, है ना, ठीक है ना, 8 आ जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 8 प्लस 1, 8 प्लस 2, फिर क्या आएगा यहाँ पे, 8 प्लस 3, 8 प्लस 4, है ना। इस टाइप से हम अलग अलग करेंगे ना। तो सुन देखो, जैसे हम 0 ऐड करेंगे तो सुन वापस, जैसे 0 ऐड करेंगे तो ये तो 8 ही आएगा, है ना। जब हम 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट, 1 ऐड करेंगे इसके अंदर, किसके अंदर? एच के अंदर। तो जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 1 और 5 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 1 और 5। फिर हम जब 2 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 2 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 और 6 आ जाएगा। स्टूडेंट जब 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 7 आ जाएगा। स्टूडेंट जैसे 4 ऐड करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, ये 4 और ये 8 हो जाएगा। हम जानते हैं एडिशन मोडुलो 8 की वैल्यू क्या होती है, 0, रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखो जैसे आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ये 0.4 और ये 4 स्टूडेंट ये सेट है, तो सेट 0.4 और 4.0 एक ही होता है, राइट। तो ये वापस क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। स्टूडेंट जैसे हम यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो ये 5.1, हम जानते हैं 5.1, 1.5 क्या होता है, सेम होता है। इस टाइप से आप जब 6 ऐड करोगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास, इसी तरफ से आप 7 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, एच, एच प्लस 1, एच प्लस 2 एंड एच प्लस 3 आ रहे हैं ना। सो वी ऑब्जर्व दैट अबव कोसेट्स इट इज क्लियर दैट द 4 कोसेट्स ऑफ एच इन जी, एच, एच प्लस 1, एच प्लस 2 एंड एच प्लस 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। सो एक और एग्जाम्पल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टूडेंट, इफ एच इन अ सब ग्रुप ऑफ अ जी, मतलब एच जो है वो सब ग्रुप है जी का एंड जी बिलोंग्स टू जी, देन प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि इस टाइप की जितने भी एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, एक सब ग्रुप बनाएगा। और दूसरा एक और यहाँ पे बी पार्ट प्रूव करना है कि इफ एच इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ एच इसके ऑर्डर के बराबर होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ एच जो सब ग्रुप एच का जो ऑर्डर होगा वो इसके ऑर्डर के बराबर होगा। तो भैया आपको ये बताना है कि इस टाइप का जो सेट है ना, लाइक यहाँ पे एक्चुअली क्या रहा है, कैपिटल एच आएगा, है ना, इस टाइप का जो। ओके जी, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। सो लेट क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू g, h1 g इनवर्स, हमने एक देखो अल्टीमेटली सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। आपको अगर सब ग्रुप के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है तो आप प्लीज यहाँ पे आईटी पे जाके एक बार सब ग्रुप के बारे में समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है तो a बिलोंग्स टू h और B belongs to H है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ऐसे अगर हम एडिशन ऑपरेशन की बात करें तो A माइनस बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, एक लिया हमने X एलिमेंट, दूसरा हमने लिया Y एलिमेंट, राइट, ये कैपिटल H है ना। तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसके अंदर, सेकंड, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई इनवर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये एक्स है और ये y, इसका इनवर्स ले लेंगे। स्टूडेंट जब भी इनवर्स लेते हैं तो हम जानते हैं कि ए बी का जो इनवर्स होता है, मैं आपको बता चुका हूं, इसका प्रूफ ही बताया था मैंने, इसके लिए क्या है कि बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आएगी, राइट। तो जिससे इसको खोलेंगे हम तो क्या होगा, ये तो एज इट इज स्टूडेंट यहाँ पे क्या जाएगा, ये जी इनवर्स है ना, ये इसका इनवर्स आ जाएगा, फिर इसका इनवर्स आएगा, फिर इसका इनवर्स आएगा, राइट, खुल जाएगा ऐसे। इसमें जानते हैं इनवर्स का इनवर्स खुद एलिमेंट होता है। स्टूडेंट जैसे खोलोगे आप तो ये जी इनवर्स जी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जी इनवर्स जी एक साथ आ जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। और आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी की वैल्यू हम जब किसी के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वो खुद ही एलिमेंट आ जाता है, राइट। तो एच वन एच टू इनवर्स आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो एच वन एच टू इनवर्स है इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी, एक्चुअली ये जो एलिमेंट आएगा ये किसका आएगा, देखो हम जानते हैं हमारे पास आएगा जी एच वन एच टू इनवर्स जी इनवर्स आएगा, पर हम जानते हैं जो बीच वाला है ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, एच का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो एच वन एच टू इनवर्स है ये किसका है, हम जानते हैं एच का ही होता है क्योंकि एच सब ग्रुप है और डेफिनेशन के हिसाब से ये हमेशा एच में जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा है ये किस में जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे एच वन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे एच ई एंड एच टू इनवर्स है, राइट, ये ऐसा है ना, ये चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे। तो हम जानते हैं ये ई हटा दिया, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ई हट जाएगा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो आएगा इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो ये आएगा जी एच वन एच टू इनवर्स इंटू जी वन इनवर्स, है ना, या जी वन हटा दो, वन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, है ना,
यहाँ पे ये आएगा और स्टूडेंट हम जानते हैं ये एच में जाता है, ये किस में जाता है, एच में जाता है, और ये एच में जाता है इसका मतलब ये वापस किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा, क्लियर है। तो इस टाइप का जो होगा अगर ए वही है, मैंने हमें क्या प्रूव किया कि ये ए एच के अंदर, ये बी के, ये बी भी एच के अंदर, तो इस टाइप का एलिमेंट भी एच के अंदर आ रहा है, वही हमने किया कि जो एक्स है वो इसके अंदर है, वाई है इसके अंदर है, तो एक्स वाई इनवर्स भी है वो भी इसके अंदर आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो इस तरीके से इस थ्योरम को यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट सेकंड थ्योरम हमें प्रूव करनी है, तो सेकंड थ्योरम में क्या करना है ध्यान दीजिए, देखो सेकंड थ्योरम में आपको ये प्रूव करना है कि इसका जो ऑर्डर है वो इसके ऑर्डर के बराबर है। स्टूडेंट जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या प्रूव करते हैं कि ये वन वन और ऑन टू है, क्या है ये वन वन और ऑन टू, तो हमें यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। हम ये प्रूव कर देंगे इस मैपिंग में कि ये मैपिंग जो है ये क्या है, वन वन और ऑन टू है। अगर हम ये प्रूव कर देते कि ये मैपिंग वन वन और ऑन टू है तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कैसे इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। सो मैं एक मैप डिफाइन करेंगे फ्रॉम एच टू जी एच जी इनवर्स, राइट, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट ये मैपिंग हमने डिफाइन करी, इसका मतलब ये मैपिंग क्या हो रही है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एच है तो वो इस एलिमेंट पे जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये वन वन है। तो स्टूडेंट वन वन की डेफिनेशन क्या होती है, हमने यहाँ पे एच वन दो लिया, वन वन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम दो वैल्यू बराबर है फंक्शन की तो वो एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। तो वही हमने यहाँ पे एफ एच वन इज इक्वल टू एफ एच टू लिया, तो स्टूडेंट एफ एच वन की वैल्यू क्या होगी, जी एच वन जी इनवर्स और जी एच टू जी इनवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट हम जानते हैं कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एच वन इज इक्वल टू एच टू, इसका मतलब ये वन वन है। उसके बाद ऑन टू क्या होता है स्टूडेंट, ऑन टू के लिए हमें दिखाना होगा कि इधर के हर एलिमेंट के लिए, इधर के हर एलिमेंट के लिए इधर एक यहाँ पे क्या होगा, इसकी इमेज एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो वही हमें देखना है यहाँ पे। सो अगेन फॉर एवरी एलिमेंट दिस है ना बिलोंग्स टू दिस, इसके अंदर होगा देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू, इसके लिए इसकी एक इमेज इसमें एग्जिस्ट करेगी सच दैट ये बराबर ये हो जाए, है ना। सो हम जानते हैं हमेशा इसके लिए एच, क्योंकि इसके लिए एक एच इधर आएगा, है ना, तो ऑब्वियसली एफ क्या होगा, ये ऑन टू होगा, हैंस एफ इज बाइजेक्शन दैट इज वन वन एंड ऑन टू। अगर ये वन वन और ऑन टू है इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो इसके ऑर्डर के बराबर होगा। जब भी आपको ऐसा करना हो तो जिसके दो ग्रुप का आपको ऑर्डर बराबर प्रूव करना है तो आप एक मैपिंग डिफाइन कर लेंगे, है ना, और उस ग्रुप से उस जिसके लिए आपको ऑर्डर बराबर करना है उसके मैपिंग डिफाइन करके आप वन वन और ऑन टू प्रूव कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, इफ एच एंड के आर टू फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप जी, देन आपको प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का समझने की जरूरत है, है ना। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे करेंगे लेट डी इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, इसको डी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इस पूरे को डी मान लेंगे, और स्टूडेंट एच इंटरसेक्शन के है ना, तो ऑब्वियसली इसके जो एलिमेंट होंगे वो हमने मान लिया कि डी के वन है, डी के टू, इस टाइप के एलिमेंट है ना, विद ऑल डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट ऑफ टी इन के, है ना, ये के में क्या है यहाँ पे राइट कॉसेट है ना, ठीक है। देयरफॉर इसका जो यूनियन होगा है ना, क्योंकि हमने राइट कॉसेट के का माना है, राइट, तो इसके जितने भी एलिमेंट इसका यूनियन लेंगे तो वापस किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, राइट। हमने क्या माना है कि इसका जो भी यूनियन होगा वापस किसके बराबर हो जाएगा, के। डिस्टिंक्ट कोसेट्स का यूनियन हमेशा क्या होता है, उसके बराबर होता है ना, जिसके वो कोसेट्स है, ठीक है ना। एंड टी इज इक्वल टू ऑर्डर के अपॉन ऑर्डर डी मान लिया, हमने क्या मान लिया यहाँ पे, टी इज इक्वल टू क्या मान लिया, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ डी, ऑब्वियसली क्योंकि अगर यहाँ पे हम जानते हैं कि ये के है हमारे पास, है ना, ग्रुप है और इसके ये हमारे कॉसेट, तो इसको क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। अब हम जानते हैं स्टूडेंट, हम बात करते हैं एच के की, है ना, ये एच के हम इसकी बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ एच के बारे में बात करेंगे, तो एच के लेते हैं स्टूडेंट। के को हमने इस तरह से डिफाइन किया, तो जहां पर भी के है वहां पे मैं ये लिख सकता हूं, और स्टूडेंट ये यूनियन है तो यूनियन कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना, और इसलिए हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं कि D जो है वो सबसेट ऑफ H का है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी D हमने लिया है वो क्या H इंटरसेक्शन K होता है। स्टूडेंट H इंटरसेक्शन K जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इसका भी सब ग्रुप होता है, K का और G का भी सब ग्रुप होता है ना, ठीक है, सॉरी H का भी सब ग्रुप होता है, राइट, हम जानते हैं ये सब चीज, क्लियर है। तो हम यहाँ पे चूंकि D सबसेट ऑफ H है ना, ठीक है, देन हम जानते हैं जो एच डी होगा वो किसके बराबर होगा, एच के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो एच डी आएगा, यहाँ एच डी आएगा, ये किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। तो स्टूडेंट जैसे भी हमने यहाँ पे ये लिया था, है ना, इस टाइप से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एच के जो है वो इसके ये डिस्टिंक्ट इसके क्या है, कॉसेट्स है, ठीक है ना। सो अगेन वी सी दैट एनी टू कॉसेट्स दिस एनी कॉसेट्स एच के वन एच के टू एच के आई आर पेयर वाइज डिस्जॉइंट बिकॉज है ना, ये क्या होगा, डिस्जॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे। और स्टूडेंट जैसे इसको हम यहाँ पे लाइक यूनियन लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एच के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच के किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा यहाँ पे, है ना, वही हमने बात करी थी, क्लियर है। तो स्टूडेंट वही हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे
इस तरीके से हम बात करेंगे, चूंकि ये डिस्टिंक्ट है तो हम ये पता लगाएंगे कि भैया डिस्टिंक्ट है कि नहीं। मान ली कि दो कॉसिटी हमारे यहाँ पे क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या होगा, के वन के इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। अगर ये एच में है तो स्टूडेंट किस में जाएंगे, यूनियन में जाएंगे, और यूनियन में जाएंगे इंटरसेक्शन में जाएंगे तो किसके में जाएंगे, डी में जाएंगे। इसका मतलब डी के आई इज इक्वल टू डी के जे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कॉसिट से है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता। सो टू अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो एच के वन एच के टू ये सब क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। स्टूडेंट डिस्टिंक्ट है इसका मतलब इन सबका वापस में यूनियन लूँ, है ना, और तो वापस के बराबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर ऑफ एच के स्टूडेंट क्या होगा, इन सब के ऑर्डर के एडिशन के बराबर होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, टी इन टू ऑर्डर एच लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और स्टूडेंट टी की जो वैल्यू अभी हमने पता लगी थी यहाँ पे, टी की वैल्यू क्या होती है, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ डी। तो स्टूडेंट जहां पर भी टी है वहां पर हम क्या रख देंगे, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ डी। और स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आज थ्योरम को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट जो कॉसेट वाला कंसेप्ट है ये मैंने आपको समझा, अब मैं इसके पर जो बेस्ट थ्योरम्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी का जो कंटेंट है आपको कैसा लग रहा है और क्या इससे आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लीज़ यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है इसके अंदर आप मुझे ज़रूर बताइए। और स्टूडेंट लास्ट में जो मेरी वीडियोज़ आ रहे हैं यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरा जो ऊपर वाला है ये मेरा नया चैनल है और नीचे वाला मेरा पुराना चैनल है। तो स्टूडेंट जो ऊपर वाला चैनल है भी आप एक बार विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्दी इस पर भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ और थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।